Now, we will start from question number 11 of exercise 7C. Question number 11, using properties of proportion, solve for x. First part, root x plus 5 plus root x minus 16 upon root x plus 5 minus root x minus 16. किसके इक्वल है बच्चे? 7 अपॉन 3 के. ये चीज है. What we can do? क्या करें? Properties of proportion. देखो value same है ना root में. यहां भी value same है. सिर्फ sign का difference है. तो component and dividend apply करना. Yes, Shifa. क्या लिखूं मैं? सर रूट एक्स प्लस फाइव यस प्लस रूट एक्स माइनस 16 प्लस रूट एक्स प्लस फाइव यस माइनस रूट एक्स माइनस 16 एंड अपॉन में बच्चे यस सर रूट एक्स प्लस फाइव प्लस रूट एक्स माइनस 16 यस माइनस रूट एक्स प्लस फाइव यस प्लस रूट एक्स माइनस 16 इस साइड सर टू रूट एक्स प्लस फाइव बच्चे राइट साइड पे क्या लिखेंगे? सेवन बाई थ्री सही है पक्का? यस सर ये लिखेंगे बेटा 7 + 3/7 कंपोनेंट और डिविडेंड दोनों साइड्स पे अप्लाई करना पड़ता है. एक साइड पे अप्लाई कर दोगे दूसरी पे साइड पे अप्लाई नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा. ओके सर शिफा मेरे से नाराज हो जाती है ना शिफा मेरे से क्वेश्चन नहीं पूछते. टू रूट एक्स प्लस फाइव नीचे टू रूट एक्स माइनस 16 सेवन प्लस थ्री 10 सेवन माइनस थ्री 4 टू से टू कट हो गया. अब क्या करें रूट कैसे खत्म करें बच्चे हम सर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या लिखूं लेफ्ट साइड में रूट एक्स प्लस फाइव का होल स्क्वायर सीधा स्क्वायर करके कर दे एक स्टेप में खा जाता हूँ तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा ना बच्चे. यस सर इस साइड 10 + 4 सॉरी 100/16 कट कर सकते थे नहीं कट किया कोई बात नहीं बाद में कट हो जाएगा. नाउ 4 की टेबल पे काट दी दो इसको 4 यहाँ पे 25/4 आ जाएगा. अब अगेन बाय अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड वैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं बट कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दो ज्यादा बेटर रहेगा. कैसे x प्लस फाइव ऊपर भी नीचे भी. यस अंजलि ऊपर क्या लिखूं बच्चे मैं साथ में प्लस x प्लस फाइव x माइनस फाइव x माइनस 16 बेटा ऊपर वाली टर्म ऊपर नीचे लिख दी मैंने नीचे वाली टर्म ऊपर प्लस होगी नीचे माइनस माइनस x प्लस 16 इस साइड बेटा 25/4 आ जाएगा. यस और नो दोनों साइड होगा ना हाँ जी तो ये आएगा शिखा बोलिए देखो बाकी सारी यस यस कर माइनस आएगा हाँ जी सर प्लस होगा तो माइनस आएगा क्या प्लस होगा तो माइनस आएगा सर लेफ्ट हैंड साइड पे सर एक्स प्लस फाइव है तो एक्स माइनस बोलो सर x प्लस फाइव है तो x माइनस 16 आएगा और x प्लस फाइव है बच्चे नो तू क्यों कंफ्यूज हो रही है ऊपर वाली टर्म ऊपर नीचे लिख दी ना सर नीचे वाली टर्म है ऊपर प्लस होगी और नीचे माइनस होगी ऊपर प्लस होगी तो कोई साइन चेंज नहीं होगा जब नीचे माइनस करेंगे तो दोनों के साइन चेंज नहीं हो जाएंगे
माइनस एक्स प्लस 16 होनी हो जाएगा। यस सर, साइन चेंज होंगे ना, या तो ब्रैकेट में डाल दो, ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन अपने आप चेंज हो जाएंगे। सीधा करना है तो बच्चे माइनस जब इसके आगे लगाएंगे हम x माइनस 16 के आगे माइनस लगाएंगे तो ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस नहीं हो जाएगा अंदर ये वाला साइन। यस सर, माइनस। अर्शिया x प्लस x 2x। अर्शिया ने ना कल बारिश भेज दी बठिंडा में, कहते नहीं गर्मी बहुत है सर के पास, है ना अर्शिया? आज तो नहीं बारिश? नो सर, सर इधर भी भेज दी। इधर भी भेज दी, किधर सर? लखनऊ। लखनऊ, ओके। और सर हमने आपको भेजी है। अच्छा, तुमने भी भेजी है, तभी काफी ज्यादा होगी आज। यस सर, हमारी रात को हुई थी, हमारे मॉर्निंग में बस एक भेजी, वीडियो भेजी थी ना मैंने। ये बेटा झारखंड में तो सुबह से लेकर रात तक सब हर वक्त बारिश ही होती रहती है। अच्छा, कौन बोला था? सर शिखा। तो तेरे पास आके रहना पड़ेगा गर्मियों में, ठीक है? कॉटेज बना लेते हैं वहां पे, यहाँ का मौसम बहुत अच्छा रहता है, हमेशा बारिश होती है, हमेशा। सर्दियों में भी? यस सर, इवन गर्मियों में भी, बस एक मंथ बिना बारिश का जाता नहीं, तो स्टार्टिंग और एंड में भी बारिश ही होती रहती है। वेरी गुड। चलो बच्चे, 42x माइनस 21 वनजा 21, टू कैरी 21 टू 23। इसको बच्चे वैसे ये 21 से 21 काट ही दो, ज्यादा इजी रहेगा, ऐसे पंगा ले रहे हैं हम। 21 को ऊपर लेके जाएंगे कट हो जाएगा ना, जरूरत ही नहीं है। क्या बच गया हमारे पास? 2x माइनस 11 इज इक्वल टू 29 आ गया बेटा। 2x माइनस 11 उस साइड जाके प्लस 11 हो गया। 2x इज 30, 40 एंड x 40 अपॉन 2 20 आ जाएगा। ये मेथड है बच्चे इसको सॉल्व करने का, आई समझ, प्रॉपर्टीज यूज करके। यू कैन डू इट? यस सर, यस सर। सेकंड एंड थर्ड पार्ट यू कैन ट्राई इट योरसेल्फ, करोगे अपने आप? यस, ट्राई कर लेना बच्चे, नहीं निकलेगा तो कल पूछ लेना मुझसे, ठीक है? बिकॉज़ अपने हाथ से जितना करोगे ना ज्यादा बेटर है वो, मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी तभी सॉल्व होंगी वो। 12th सम, इस टाइप का सम हमने पहले किया नहीं था। नहीं किया है ना, एग्जाम्पल थी इस टाइप की, 30th समझी नहीं थी कि पहले करवाया था मैंने ये। चलो कर लेते हैं बच्चे 12th सम। 12th सम कौन करवाएगा मुझे? हंसिका। यस सर। प्लस रूट ए माइनस 3b, नीचे बेटा रूट ए प्लस 3b माइनस रूट ए माइनस 3b। यस, व्हाट वी कैन डू बच्चे? सो बाय अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। बाय अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, बताओ क्या लिखूं मैं लेफ्ट साइड में? लेफ्ट साइड में? हाँ जी हाँ। तो एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन। एक्स माइनस वन राइट साइड में बच्चे? यस सर। रूट ए प्लस थ्री बी प्लस रूट ए माइनस थ्री बी प्लस नीचे भी एक मिनट पहले लिख लिया करो ऊपर नीचे, कभी मिस्टेक नहीं होती, अदरवाइज ये लिख दोगे गलती से। अब ऊपर बताओ क्या लिखूं साथ में? प्लस रूट ए माइनस थ्री बी। हाँ, क्या है, क्या हुआ है? ए प्लस थ्री बी। हाँ ए, यस सर, यस सर, माइनस रूट ए। बस अब नहीं बोलो, माइनस तो ब्रैकेट डाल दो। बस 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 बोलना, खुशी रस्तोगी।
यहाँ क्या लिखनी चाहिए सर? माइनस रूट ए प्लस थ्री बी प्लस रूट ए माइनस थ्री बी। पता चल गया? हाँ सर। तू पहले मुझे ये बता, सेवन सी के टेन तक सम किए तूने कि नहीं किए? झूठ नहीं बोलना। सर टेन तक नहीं किए हैं। क्यों नहीं किए? सर क्योंकि मैं स्कूल का प्रोजेक्ट बना रही थी। फिर मतलब मैं क्लास ना लगाया करूं? यही है फिर, है ना? नो सर ऐसा नहीं है। ऐसा ही है, ऐसे ही रोहित सर पीछे पड़े हुए हैं, मार्क्स आ जाएंगे बैफ में। क्या जरूरत है मार्क्स लाने की, है ना? है ना खुशी? नो सर। लेने हैं? यस सर। चाहे सारी रात जाग के कर काम, डेली का डेली। बस एक चीज चाहता हूँ, मैं कोई ज्यादा सम भी नहीं करवाता कि हाँ बहुत ज्यादा काम करवा देता हूँ, बहुत थोड़ा काम होता है। कल कितने सम हुए थे? 10 सम्स ही हुए थे ना, तो हार्डली मेरे को लगता है हाफ या 45 मिनट्स में हो जाते हैं ये। एक बार कर लो, उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट पे जोर दे देना। एक बार सारा कुछ आता तो हो ना, कि कल कोई पूछे, टीचर पूछे या कुछ कोई भी पूछे। अभी स्कूल खुलेंगे, बैंड बजी होगी सबकी, किसी को कुछ नहीं आता होगा, समझे? यस सर। तो मतलब ऐसा तो कर सकते ना कि अभी मैथ ज्यादा अच्छे से पढ़ लें, फिर बाद में बाकी सारे सब्जेक्ट। हाँ बिल्कुल, अब स्कूल में करवाएंगे तो उस टाइम प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस होती जाएगी। यस सर। ऑलरेडी मतलब जब आती होती है ना चीज, तो उसका क्रेज भी ज्यादा हो जाता है। जब पूरी क्लास में अकेला तुम्हारा हाथ खड़ा होगा कि हाँ हमें आता है, मतलब खुशी पता है कितनी मिलती है उस टाइम, समझे? ऑनलाइन ने तो मतलब पता ही है क्या कुछ किया है सबने। यस सर। सबने ऑनलाइन ढूंढ ढूंढ के आंसर लिखे, जो भी एग्जाम हुए हैं उसको नहीं भी आते थे। कम से कम 10 बच्चों ने मेरे से सॉल्व करवाए हैं पेपर। यस सर। 10 बच्चों ने मेरे से पेपर सॉल्व करवाए होंगे कम से कम, एग्जाम्स के टाइम, नाइन्थ के। तुम में से नहीं, और थे बच्चे कोई? सर हमारा कल टेस्ट है, हमें ये तो मैं टेस्ट ही है तो आता नहीं आपको? नहीं सर ये प्रैक्टिस टेस्ट ही है, वैसे ही है बस। मैं कहा एग्जाम तो नहीं है? नहीं है, पर पता होता था कि एग्जाम ही है वो। मैं चलो कोई बात नहीं, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। क्या आ गया बच्चे हमारे पास? x प्लस वन अपॉन x माइनस वन। प्रियांशी रूट ए प्लस थ्री बी रूट एट प्लस थ्री बी क्या बनेगा बच्चे ऐड करके? प्रियांशी टू रूट ए प्लस थ्री टू रूट ए प्लस थ्री बी अपॉन मी रूट ए माइनस थ्री बी रूट ए माइनस थ्री बी टू रूट ए माइनस थ्री बी टू से टू कैंसल। एक्स प्लस वन नीचे बचे एक्स माइनस वन। इस साइड में एक बार फिर से लिख देता हूँ वही सेम चीज, थ्री बी अपॉन ए रूट ए माइनस थ्री बी। शिखा व्हाट वी कैन डू? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। शिफा लेफ्ट साइड में क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स। वेरी गुड। देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा ना, शिफा ने सीधा ओपन कर दिया, वो होल स्क्वायर तो लिखा ही नहीं। नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स। राइट साइड में भी बता दे क्या आएगा? ए प्लस थ्री बी अपॉन ए प्लस थ्री बी अपॉन ए माइनस थ्री बी। ठीक है। अब माही अब क्या करें? सर अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। फिर अगेन कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई कर दो। ऊपर बच्चे क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स। नीचे वाली टर्म ऊपर प्लस हो जाएगी, ऊपर वाली टर्म ऊपर, नीचे लिख दो एक बार, नीचे वाली टर्म माइनस हो जाएगी, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस टू एक्स। साइन चेंज हो जाएंगे ना नीचे। इस साइड क्या लिखूं खुशी गुप्ता जी?
सर ए प्लस थ्री बी प्लस ए माइनस थ्री बी बस नहीं सर नीचे भी ए प्लस थ्री बी माइनस ए प्लस थ्री टू एक्स से टू एक्स कैंसिल नीचे x square से x square cancel यहाँ से 3b cancel a से a cancel सही तो 1b cancel नीचे left side ओह पता ही नहीं चला मुझे 2x square 1 plus 1 2 नीचे बचे 4x इस side a plus a 2a नीचे 6b इस 2 से ये कट कर दें 3 आ जाएगा नीचे cross multiply कर दूं वैसे 2 ऊपर से common लेके काट भी सकते हैं चलो यहीं पे कर रहा हूँ आगे इसके में थोड़ा इजी हो जाएगा ये कट गया क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चे 3b को x square से करेंगे 3b x square 3b को b से करेंगे प्लस 3b 2x को a से करेंगे 2ax इसको इस साइड ले आओ यू गेट द आंसर जो चाहिए वो आ जाएगा बच्चे यस सर इस साइड मैंने लिख ही दिया एक सेकंड बच्चे किसी का कॉल आ मैसेज आ रहा है Just wait, bacha. हाँ जी, next sum. ये समझ आ गया hence proved हो जाएगा. Sir. हाँ जी बच्चे. Sir वो जो नीचे था वो quadratic equation से ही solve हो गया. Solve करना ही नहीं है. Okay sir. question read कर. Question read कर. वहीं तक करना था. Prove that this is equal to zero. हो गया. ओके ओके एक सेकंड बच्चे हाँ जी बच्चे क्वेश्चन नंबर 13 यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन सॉल्व फॉर एक्स एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वायर राइट साइड में बच्चे क्या है 17 अपॉन 8 है प्रॉपर्टीज वही सेम अप्लाई कर दो क्या कंपोनेंट और डिविडेंड कंपोनेंट और डिविडेंड अमन क्या लिखूं बच्चे मैं सर पता नहीं सर कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करो बच्चे कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करो सर कैसे लिखेंगे यार तू ने 7 चैप्टर किया नहीं पहले सर कुछ होमवर्क से छूट गए हैं सर आज चलो मैं लेक्चर भेजूंगा सारे करके रखने हैं ठीक है ना जो ऊपर वाली टर्म होती है बच्चे वो ऊपर नीचे लिख लेते हैं ठीक है अमन यस नीचे वाली टर्म ऊपर प्लस हो जाती है नीचे वाली टर्म नीचे से माइनस हो जाती है 17 अपॉन 17 बच्चे जो नीचे 8 है ऊपर प्लस हो जाएगा नीचे माइनस हो जाएगा ऊपर ये क्या चीज बन गई बच्चे इसको सर आइडेंटिटी x स्क्वायर प्लस 1 एक सेकंड उसको फॉर्म फोर्स फॉर्मेट में लिख देने दो पहले मेरे को x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 into x स्क्वायर into 1 नीचे बच्चे x square का square plus 1 का square minus 2ab 2 into x square into 1 इस साइड बच्चे 17 plus 8 25 अब देखो a square b square plus 2ab x square plus 1 का whole square नीचे a square plus b square minus 2ab x square minus 1 whole square इस साइड बच्चे 25 upon 9 अब एक चीज और देखो x square plus 1 upon x square minus 1 का whole square लिख सकते हैं इसको is equal to 5 yes, upon 3 whole square so that will be cancelled अब बोलना नहीं है cancel कुंसल तू ही करते रहना मैं तो करूंगा नहीं किसने बोला था cancel खुशी
खुशी मुझे एक बात बता, जो तेरी कोचिंग है वहां मैथ की कोचिंग तो नहीं लेनी? खुशी रसोगी जी बताओ। यस सर। वहां मैथ की कोचिंग तो नहीं है? सर है। फिर तो पहले आ जाया करना, समझे? यस सर। कोई बात नहीं, जो भी डाउट होंगे मैं करवाऊंगा तेरे। 5/3 अगेन कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अभी किसकी टर्न? सदफ क्या लिखूं? सर x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x स्क्वायर। सर मैं ऊपर का पहले बोलते। कोई बात नहीं, बोल दे बेटा। प्लस x स्क्वायर माइनस 1। नीचे प्लस माइनस x स्क्वायर प्लस 1। राइट साइड में 5 प्लस 3 अपॉन 5 माइनस 3। 1 से बच्चे 1 कैंसिल, नीचे x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर यहां पे कर रहा हूं सॉल्व बच्चे मैं। 2x स्क्वायर नीचे 1 प्लस 1 2, राइट साइड में 5 प्लस 3 8, 5 माइनस 3 2 4 आ गया। इस 2 से 2 कट हो गया, x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई। x की वैल्यू रूट 4 और प्लस माइनस यहां पे लगाना है 4 एंड माइनस 4, ये दोनों आंसर आएंगे सर, क्योंकि स्क्वायर उधर जाके रूट बन रहा है इसलिए। हाँ जी हाँ जी। यहाँ क्यों नहीं लगाया? क्योंकि आगे अभी इसको होल स्क्वायर फिर से स्क्वायर बनना था, इसलिए माइनस में स्क्वायर रूट नहीं आता, मतलब ये चीज आ जाती तो दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज नॉट रियल। इसलिए सॉरी शिखा तू ना होती मेरा क्या बनता, सारे समय गलत कर देता है ना शिखा। चलो 14 सम बचे, ट्राई करोगे अपने आप? यस सर। 15 बोलो करूं के ट्राई करोगे? सर वी विल ट्राई, दिस विल बी द आइडेंटिटी। सिंपल है, कंपोनेंडो डिविडेंडो ही लगाना है। यस सर। ठीक है, तो आज के लिए बच्चे इतना ही एनफ है। एक्चुअली कोई रिलेटिव आए हुए हैं, मैं तो क्लास लगा। हां जी सर, जो